देखने में बिजी हो गए थे और आकर देखे कि यहाँ पे तो धान वगैरह जो इसका कटाई है वो तो कंप्लीट ही हो गया है। मतलब 2 या 3 खेत बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग का जो खेत का है सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब खेत का जो धान है वो घर पहुँचाने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे हम लोग की पास के एक भैया हैं, उनके पास ट्रैक्टर है तो उनसे हम लोग बात की है, तो वो हो सकेगा तो कल आ जाएंगे और हमारे घर का जो खेत का जो धान है उसको लेके जाके हम लोग के खेत के जो बाड़ी है, मतलब घर का जो पीछे की तरफ बाड़ी है उसके तरफ वहाँ पे रख देंगे, क्योंकि वहीं पे हम लोग खलिहान बनाए हैं तो मज़ा भी आएगा। क्या बोलते हैं, मैं तो अपना इंटरव्यू देना भूल ही गया, तो इंटरव्यू देते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं किशन सारीवान, आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज फिलहाल ऐसा काम था यार कि मैं चले गया था अपने काम पे, वैसे ही जैसे मैं कर रहा था अभी EMI अपने कॉस्ट बटाने के चक्कर में, इंस्टॉलमेंट बटाने के चक्कर में, वो सारी चीज़ कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं आ गया खेत की तरफ और खेत में आके देखा तो इधर पे तो यार पूरा खेती वगैरह पूरा कंप्लीट ही हो गया था। मतलब जो धान कटाई है वो तो कंप्लीट ही हो गया था, और आप मेरे पीछे की तरफ भी देख सकते हैं और इधर पे वगैरह, और थोड़ा सा वहाँ पे बचा हुआ है जिसको अभी अभी भी उसकी कटाई अभी चल ही रहा है। और मैं सोचा कि ना एक बार घूम के आना ही चाहिए, पापा भी बोल रहे थे कि एक बार चलो घूम के आ जाओ, तो पता भी चल जाएगा कितने लोग आए हैं, कितने लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ भी देख ली, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और इधर पे ऐसे होता है यार कि हम लोग बहुत सारे लोग आया करते हैं इधर पे हम लोग के खेत को देखने के लिए, जैसे हम लोग के घर पे कोई आते हैं तो दिखाने के लिए भी लाया करते हैं पापा जी। और इस साल भी ऐसे हुए, काफ़ी सारे लोगों ने हम लोग के खेत की तरफ आए हुए थे और बोले भी थे कि इस बार जो खेती है वो आपका बहुत अच्छा हुआ है। तो अच्छा ही लगता है यार, अगर धान की जो फसल है वो साल में एक बार ही लेते हैं हम लोग, जैसे बारिश के समय में होता है, बरसात के समय में वो आ रहा, उसके बाद फिर है ही नहीं, क्योंकि जो भी हम लोग खेती वगैरह करते हैं वो सब बारिश के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बस यही रहा हम लोग का खेत का सीन, कुछ ऐसा है। और घर की तरफ को यार अभी फुटेज नहीं ले पा रहा हूँ, कहीं घूम ही नहीं पा रहा हूँ, जिस कारण से अभी बाहर का जो वीडियो है अभी नहीं ला पा रहा हूँ। और देखता हूँ अगर कल अगर हो सकता है तो मैं पेंड्रा जाने वाला हूँ, तो पेंड्रा जाएंगे और उधर का सीन मैं दिखाऊँगा कल। हाँ कल चलते हैं, क्यों ना। आज मैं सोचा क्यों ना अपने खेत को ही फिर से दिखा दिया जाए कि हम लोग का जो खेत का काम है वो कितना कंप्लीट हुआ है, वो सारी चीज़। और इधर भी बहुत ज़्यादा सही लग रहा है कि हम लोग का धान है वो कंप्लीट हो गया, अब सीधे चले जाए घर पे, एक दिन का और काम लगेगा सिर्फ उसमें थ्रेसर वगैरह में, उसके बाद पूरा काम कंप्लीट, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है फिर उसके बाद। यार आप लोग भी सोचते होंगे कि ये बार बार अपने खेत की तरफ ही क्यों आ जाता है और खेत को ही क्यों दिखाते रहता है, तो एक तो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यार कि मैं अभी आजकल फ़िलहाल कहीं पर जा नहीं रहा हूँ, तो कुछ नया कंटेंट मिल ही नहीं रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि ना अपने जो खेती का जो अपडेट है वो मैं आपको दिखा दूँ कि हम लोग का जो खेत का जो अपडेट है वो कैसा हुआ है। और अभी मैं फ़िलहाल काम करने के लिए जाया करता था, और काम करने के लिए जाया करता था तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं व्लॉग बनाऊं या क्या करूं, तो हल्का फुल्का वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि यार वो चीज़ मैं जो कर रहा हूँ वो उसको मैं आप लोग तक शेयर करूँ या क्या करूँ करके मेरे को समझ ही नहीं आता, जिस कारण से उसको मैं आप लोग तक शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो काम है ना भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और करना भी सही है, कि जो मेरा EMI इंस्टॉलमेंट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो सही सही लगेगा, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट वगैरह क्रिएट कर पाऊँगा बहुत जल्दी ही। और विशु भाई भी फ़ोन किए थे कि बोले थे कि भाई चल रायपुर चलते हैं, तो टाइम ही नहीं मिला जाने को और हम भटक रहे हैं खेत की तरफ ही, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ गजब का फंक्शन ही बन रहा था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग के इधर खेती वगैरह करते हैं ना तो साल में एक बार ही करते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब खाली मैदान छोड़ देते हैं जिसमें ये खूटी वगैरह बस हर साल, मतलब ये समझ लो कि पूरे गर्मी भर रहता है। इधर पे गाय वगैरह भी आता है तो जितना थोड़ी बहुत चढ़ाई वगैरह होता है घास फूस, जैसे खेत के ये क्या बोलते हैं पार बोलते हैं हम लोग इधर मेड़ में, तो उसमें पड़ जाते हैं तो उसको कुछ खा लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही छूटा रहता है। और इस साल का प्लान जो हम लोग का है ऐसा है कि अपने खेत में हम लोग हो सकेगा तो दलहन कोई चीज़ बोएंगे, लग रहा है पापा जी ऐसे ही बोल रहे थे, फिर उसके लिए भी बीज वगैरह जुगाड़ करना पड़ेगा जो कि मिल ही जाएगा, मतलब हम लोग के गांव से गांव में ही मिल जाता है। तो कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग दलहन भी उगाएं और अपने खेत को ट्राई करें कि होता है या नहीं, उसके बाद देखेंगे कि अगले साल ही देख रहे हैं कि अपन हम लोग के खेत के पास एक ट्यूबवेल कर देंगे जिसके बाद हम लोग गेहूँ भी उगा सकते हैं, दलहन भी उगा सकते हैं, सब्जी भी उगा सकते हैं, धान तो उगाएंगे ही उगाएंगे ये तो पता ही है, और उसके अलावा भी कुछ मिलता है तो भी चीज़ दिखाएँ। पीछे तरफ से एक तो चिड़िया जा रहा है, वो देखो आवाज़ कर रहा है, वो भी अच्छा आवाज़ कर रहा था, मैं शायद आपको सुनाई नहीं देगा वो, लेकिन बहुत ज़्यादा सही लगा।
और यही सीन था यार हम लोग के खेत का। और हाँ, जो सामने जो मैं सिनेमेटिक वीडियो डाला वो आपको शायद पसंद आया ही होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों लोग को भी शेयर करिए यार, जिससे अभी भाई का सपोर्ट मिले। और काफ़ी दिनों से ऐसे हो चुका था कि मैं घर के बाहर ही नहीं जा पा रहा, घर के जो बाहर है वो जा ही नहीं पा रहा हूँ यार, क्या पता नहीं क्या हो गया है अभी। टाइम तो निकालता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्यों ना थोड़ी बहुत बाहर का ब्लॉग भी बनाया जाए, लेकिन बाहर का ब्लॉग है अभी कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा था। तो कल से देखते हैं, अगर पेंड्रा अगर जाता हूँ तो दो चार वीडियो बना के लाता हूँ यार अच्छे से, तो वो आपको देखने को मिलेगा इसी वाले चैनल पे। और आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाए। और ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।